दोस्तों, ये एक बॉक्स है दवाइयों का, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी दवाइयाँ रखी हुई हैं। बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं इसमें। तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है विटामिन B12। तो B12 के बारे में ही सारा हम आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या उसमें डेफिशिएंसीज बॉडीज़ में आती हैं और वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि हम तकरीबन ये देखते हैं कि विटामिन तो कई तरह के होते हैं। बहुत से मल्टी विटामिन के जो कैप्सूल या जो भी मेडिसिन हम लेते हैं तो उनमें तकरीबन विटामिन B12 इंक्लूडेड होते हैं। तो मेनली जब B12 की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो क्या सिम्टम्स क्या उसके दिखाई देते हैं? तो मेनली ये अफेक्ट करता है आपके मस्कुलर सिस्टम, आपका सर्कुलरी सिस्टम जो है, या नर्व सिस्टम कह सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर अफेक्ट करता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम अगर एक प्रोसेस तो हमारा हो गया कि हम विटामिन 12 जिसमें इंक्लूडेड हों वो सारे कैप्सूल हम जब भी एज एंड व्हेन डॉक्टर्स कहते हैं तो वो हम लें। और अगर नेचुरल सोर्सेज के बारे में हम देखें कि विटामिन बी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन वेज वेज खाने वालों के लिए उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B12 के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो नॉन वेज वाले हैं, अगर वो 2 एग एक महीने में खाते हैं तो 46% ऑफ विटामिन 12 जो है वो सफिशेंट मात्रा होती है उसकी, और 46% मात्रा उसकी क्वांटिटीज की पूरी कर देता है। ऐसे ही अगर हम झींगा सी फूड ही होता है, अगर कोई नॉन वेज जैसे एग लेता है या वो नॉन वेज में झींगा लेता है तो सफिशेंट मात्रा जो उसकी B12 की पूरी हो जाती है उसमें। तो अब झींगा के साथ चिकन्स में B12 तो होता ही होता है, फॉलेट एसिड भी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अगर हम दही का प्रयोग करते हैं, कर्ड हम लेते हैं, तो उसमें से हमें B2 मिल जाता है, B12 भी मिल जाता है। और कर्ड जो है लो फैट वाली चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओट मील्स इन द ब्रेकफास्ट आप यूज़ कर सकते हो। सफिशेंट विटामिन B12 उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप दूध लेते हैं सुबह शाम या रात को जैसे भी, उसमें भी एनफ अमाउंट ऑफ B12 आपको मिल जाएगा। सोयाबीन ऑल्सो ए वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सोर्सेज जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में इस विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। सोयाबीन की आप जैसे नगेट्स टाइप यूज़ करते हैं या सोया मिल्क या टोफू वगैरह यूज़ करते हैं तो वो इक्वलेंटली आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है पूरी कर सकता है। तो फीलिंग्स हम देखें, इसकी फीलिंग्स पर्टिकुलरली कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या बॉडी में डिजीज़ हो सकती हैं। वेट लॉस नंबर 1 पे है कि वेट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हुआ है तो उसको हम देखें तो B12 एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। वीक मसल्स, जैसे कि हमने पहले बात की कि मस्कुलरी सिस्टम जो है
वो एक मेन इसकी डेफिशिएंसी होती है इसमें, अगर ये कम हो तो। अच्छा, स्किन का कलर आप देखेंगे तो स्किन का कलर भी हल्का सा येलिश टाइप आपको नज़र आएगा। अनीमिया की शिकायत हो सकती है और आपका नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। तो इन बातों के अलावा एक मेन चीज़ इसकी डेफिशिएंसी से कभी कभी देखा है कि कन्फ्यूजन सी जैसे बनी रहती है आदमी को, वो भी तकरीबन नज़र आती है। तो सिम्टम्स में जो स्किन का कलर येलो, कभी कभी जीभ पर दाने या जीभ का लाल हो जाना, मुंह में छाले या रतर आते ही रहना, और फिर आप देखिए तो आई साइट थोड़ी वीक हो जाती है या होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो जाते हैं इससे, सुस्ती रहती है शरीर में, सांस सांस फूलना, सिर दर्द, कान जैसे यूजली आम लैंग्वेज में कहते हैं कि कान बज रहे हैं, कानों का बजना, या भूख कम लगना, ये सब चीज़ें तकरीबन इसकी डेफिशिएंसी से हमें नज़र आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनसे, या जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनसे भी हम अपने विटामिन बी 12 को कम्प्लीट सफिशेंट मात्रा में ले सकते हैं, या आप कहें कि उसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो उसको पूरा कर सकते हैं पूरा। या आपको अगर कोई डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये मल्टी विटामिन कैप्सूल्स या कुछ भी सिरप या कुछ भी आपको वो अगर एडवाइस करते हैं, तो उसमें नेचुरली है कि वो डॉक्टर भी ये देख लेंगे कि इनको विटामिन बी 12 की कोई डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी हो तो वो नेचुरली वो मल्टीविटामिन ही लिखेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वही चीज़ वो लिखेंगे। तो अबव ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कि इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई वीडियो बनाया गया, तो कई लोग तो बहुत ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती और अननेसेसरली ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो तकरीबन आप स्टडी करके देखो तो उसमें सब चीज़ें फॉल्स दिखाई देती हैं। तो इसको अननेसेसरली किसी चीज़ को लेना, अपने आप ऑब्जर्व कर लेना, वो गलत बात है। तो मी टू, मैं भी यही कहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए है, एंड डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय दिस वीडियो। सो स्टे विद योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर की एडवाइस के बिना अपने आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे कल को कोई नुकसान भी आपको हो सके। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि B12 में क्या डेफिशिएंसी होती है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है और उसको हम कैसे पूरा किया जा सकता है, दोनों स्टाइल में, नेचुरल सोर्सेज में नॉन वेज खाने वालों के लिए और वेज खाने वालों के लिए। इस तरह के आगे ये वीडियोज़ की सीरीज आपको देखने को मिलेगी ऑफ ऑन, कभी ना कभी बीच में मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। तो जो ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल आपको टू द पॉइंट एंड करेक्ट होगी। तो आई होप यू विल लाइक ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड स्टे विद मी इन फ्यूचर टू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।